गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम पढ़े हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक्सरसाइज है हमारी 2.5 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम 5th क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6th क्वेश्चन। देखिए 6th क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित दशमलव संख्या में 2 का स्थानीय मान लिखिए। देखिए जो ये हमारी वैल्यू है ये पॉइंट में है, इसलिए दशमलव संख्याएँ हैं संख्याओं के में। अब स्थानीय मान होता क्या है, तो एक बार पहले हम स्थानीय मान समझते हैं। सपोज ये कोई आपकी वैल्यू है 5, 6, 4, 3, 2, ये मैंने आपको किस लिए ली है, समझाने के लिए ली है। अब ये आपका हमें बोल दिया गया कि 4 का स्थानीय मान निकालिए, ठीक है। ये क्या है, 1, 10, 100, 1000 एंड 10000, ये सभी को पता है। हिंदी में मैं आपको एक बार बता देती हूँ, इसे इकाई बोलते हैं, इसे ढाई, सैकड़ा, हजार, 10000, ठीक है। तो ये 4 क्या है बताइए जल्दी, 400 है ना, कितना है 400, तो यही क्या है इसका स्थानीय मान, क्लियर है। सपोज आपसे कहने लगे कि 6 का स्थानीय मान बताइए, तो 6 क्या है 1000, तो कितना हो गया 6 का स्थानीय मान 6000, क्लियर। अब इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान लिखिए। अच्छा चलिए मैं इससे पहले एक छोटी सी बात और बता दूँ दशमलव को लेकर। सपोज हमारी कोई वैल्यू है 5.324, इस टाइप की हमारी कोई वैल्यू है जिसमें ये पॉइंट हमारा बीच में आ गया। अब आपको पता है पॉइंट की वैल्यू तो हमने ये वाली छोड़ दी पहले, इसे हम क्या कहते हैं इकाई, इसे ढाई और इसे सैकड़ा, फिर आगे हजार, 10000, ये हमारा चलता है, ठीक है। 1, 10, 100, ये इधर की पॉइंट से इधर वाली वैल्यू। लेकिन जो पॉइंट से इधर वाली वैल्यू होती है ये क्या होती है, जैसे मैंने आपको जब इसे व्यक्त करना बताया था तो मैंने बताया था इसको 4 लिखते हैं, इसको 80, क्योंकि 4 प्लस 500, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा। और जब हमने पॉइंट से इधर वाली वैल्यू लिखी थी तो इनमें अपॉन में लिख दिया था 3 अपॉन 10 प्लस 2 अपॉन 100 प्लस 4 अपॉन 1000, इसी तरीके से बताया था आपको। ये तो इसके लिखने का मेथड हो गया। अब देखिए इन्हें बोलते क्या हैं, ये इकाई, ढाई, सैकड़ा, और ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा दशांश। क्या कहलाता है, दशांश, ठीक है, क्या दशांश, समझ में आ रहा है। फिर ये क्या कहलाता है हमारा, शतांश, ठीक है, ये हमारा दशांश, ये हमारा शतांश, और नेक्स्ट वाला हमारा शेषांश। समझ में आ रहा है आपको, क्या ये हमारा इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10000, इधर तो हमारी इस तरीके से चलती है, लेकिन पॉइंट के बाद की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, दशांश, शतांश और शेषांश। चलिए मैं रफ कर देती हूँ, इतना हमने समझ लिया। अब आगे देखिए क्या लिखा है, 2.56, इसमें हमें 2 का स्थानीय मान बताना है। तो देखिए स्थानीय मान क्या होगा 2 का, 2 का स्थानीय मान 2 ही होगा, क्योंकि इकाई का अंक है और इसे क्या कह सकते हैं, इकाई, क्लियर है। चलिए दूसरा ले लेते हैं, दूसरा है हमारा 2.37। आप इसको देखते हैं कैसे करना है, लिख लेते हैं 2 का स्थानीय मान। 2 कहाँ पर आ रहा है, देखिए इकाई और ढाई, ढाई पर आ रहा है यानी 20, और इसको क्या लिखते हैं, ढाई,
अब तीसरा देख लेते हैं। वन जीरो पॉइंट टू फाइव, दो का स्थानीय मान, ठीक है। अब इसको देखिए, दो का स्थानीय मान क्या है, कैसे लिखते हैं इसे, टू अपॉन टेन। और ये क्या बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, दशांश। क्लियर। फोर्थ देख लेते हैं, 9.42, टू का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2 है, यानी 2 अपॉन 100, और इसे क्या बोलते हैं, शतांश। ठीक है, नेक्स्ट वाला आपको मैं ऐसे ही बता देती हूँ। ये देखिए हमारा कहाँ पर है, पॉइंट के 3 डिजिट बाद, तो इसे शतांश बोलते हैं। ठीक है, मैंने वहाँ बताया था, तो इसे आप अपने आप कर लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। किस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। दिनेश स्थान ए से स्थान बी तक गया, यानी ये स्थान ए है और ये बी है, और वहाँ से स्थान सी तक गया, ये स्थान सी है। ए से बी तक की दूरी 7.5 किलोमीटर और बी से सी तक की दूरी 12.7 किलोमीटर। अयूब स्थान ए से स्थान डी तक गया, एक ए से डी तक गया और वहाँ से वह स्थान सी को गया, वहाँ से वो स्थान सी को गया, ठीक है, सी, ये भी। ए से डी की दूरी कितनी है, यहाँ से 9.3 किलोमीटर है, डी से सी की दूरी 11.8 किलोमीटर है, जिसने ज़्यादा दूरी तय की और वह दूरी किसकी अधिक कितनी थी, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो हमारा क्या नाम है, ये वाली सी तक की दूरी किसने चली, दिनेश ने, दिनेश के द्वारा कुल। देखिए इस डायग्राम में मैं आपको छोटी सी चीज़ सिखाना बताना चाहूँगी, जो हमारा अयूब था वो ए से डी तक गया, तो आप इसे ए से समझिए, वो डी तक गया और डी से वो सी पर आया, ठीक है। ये हमारी 9.3 किलोमीटर है, इसे यहाँ अयूब लिख देती हूँ मैं, यही है, ठीक है, अयूब। और सी से डी से सी की दूरी 11.8 किलोमीटर है, ठीक है। किसने ज़्यादा दूरी तय की और वह दूरी कितनी अधिक थी, ठीक। अब ये वाली मैं रफ कर देती हूँ। दिनेश के द्वारा कुल तय दूरी देखिए कितनी होगी, वो ए से बी पर गया प्लस बी से सी पर गया,
तो ए बी कितनी है 7.5 और बी सी कितनी है 12.7। तो टोटल कितना हो गया, अब ऐड कर दीजिए। पहले तो पॉइंट लगाइए, 7 और 5 कितने हो गए 12, 1, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 1, 2, ठीक है। क्लियर, अब स्टार्ट करते हैं आगे का। आयु के द्वारा कुल तय दूरी, तो आयु कितना चला, पहले ए से डी और फिर डी से सी। ए डी कितना है 9.3 किलोमीटर और डी सी कितना है 11.8 किलोमीटर। ऐड कर दीजिए, 8 और 3 हमारे 11, 9 और 1 10, 10 और 1 11 और 1 2, ठीक है, समझ में आया, किलोमीटर। आगे का मैं यहाँ कर देती हूँ, तो आप बताइए किसकी दूरी तय की गई जाता है, अयूब की। अयूब की है कितनी दूरी, हम लिखेंगे अयूब द्वारा तय अधिक दूरी क्या हो जाएगा, 121 माइनस 20.2। देखिए कैसे निकालेंगे, इस वाली में से इसे माइनस कर देंगे, चलिए माइनस कर दीजिए, 11, 11 में से 2 गए कितने बचे 9, इधर कितना बचा 0, तो 0.9 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। तो आयोग के द्वारा तय की गई कुल अधिक दूरी कितनी है 0.9। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं हम। आप चाहो तो जो किलोमीटर है उसको मीटर में भी चेंज कर सकते हो, मैंने आपको चेंज करना बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, श्याम ने 5 केजी 300 ग्राम सेब और 3 केजी 250 ग्राम आम खरीदे, सरला ने 4 किलो 800 ग्राम संतरे और 4 किलो 150 ग्राम केले खरीदे, किसने अधिक फल खरीदे। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह कर दीजिए, श्यामा के द्वारा खरीदे गए फल कितने हैं, दोनों का ऐड कर दीजिए, 5.300 प्लस ये केजी में और 3. इसे केजी लिख सकते हो आप, केजी और 3.250 3.250। अब ऐड कर दीजिए दोनों को, तो क्या आ गया 0.558 केजी, ये आ गया, ठीक। और दूसरा कौन है, सरला, सरला के द्वारा खरीदे गए कुल फल, इनको भी ऐड कर दीजिए, क्या है 4.800 केजी
और संतरे हैं और 4.150 प्लस 4.150 कीजिए, कितना हो जाएगा? 0.59.8 केजी। किसके अधिक हैं? सरला के, तो हम लिख सकते हैं सरला के द्वारा खरीदे गए फल अधिक है, अधिक, ये नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे, फलों की मात्रा कितनी है? माइनस कर दीजिए 8.950 में से, कितना माइनस करोगे? 8.550। कितना आएगा? 0 में से 0 0, 5 में से 5 0, 9 में से 5 गए 4.kg। आप चाहो तो इसको भी क्या कर सकते हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं आप 0.400 kg फल अधिक है, सरला के द्वारा खरीदे गए फल अधिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है, आपको माइनस करना है, तो मैं आपको एक सम्स बना के दे देती हूँ। क्या है? आपको दो वैल्यू दी है, 28 किलोमीटर में से हमें क्या करना है, 4.26 किलोमीटर, ये दो वैल्यू दी हैं, तो हमें ये माइनस करनी है। तो देखिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 28.00 लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद कितनी जीरो लिख लो, ऑफ 42.6, तो एक ही वैल्यू, तो एक जीरो की जरूरत पड़ेगी हमें, माइनस कर दीजिए 10 में से 6 गए 4, इधर 7 बचा, 7 में से 2 गए 5, थोड़ा गलत हो गया, ऊपर नीचे लिख दिया मैंने, 42 बड़ा है, तो 42.6 28 0, 6 में से 0 गई 6, 2 में से 8 गए कितने बचे, एक इधर ले लेंगे 12 होगा, 12 में से 8 गए 4 एंड 1 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको कॉपी में करना है, ये मैंने रफली तरीके से आपको बताया है। चलिए आज के लिए इतना ही, ये एक्सरसाइज हमारी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।